नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चले जानते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों को। गरीब रथ समेत 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन होगा शुरू। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने दिया आदेश। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन के खतरों को लेकर प्रशासन हुई अलर्ट। भाजपा ने पोस्टर में लालू प्रसाद यादव की एंट्री पर कसा तंज। बीपीएससी 66वीं मुख्य लिखित परीक्षा की तारीख हुई जारी। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में 48 घंटे तक भारी बारिश और बिजली गिरने की जारी हुई चेतावनी। बिहार में अगले 48 घंटे में भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है, जिसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बाबत मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से बताया गया है कि फिलहाल सूबे में मॉनसून की सक्रियता बनी हुई है। उत्तर प्रदेश से बिहार होते हुए गंगीय पश्चिमी बंगाल होकर असम तक जा रही है। साथ ही एक अन्य ट्रफ रेखा उत्तर पूर्व बिहार से आंतरिक ओडिशा तक जा रही है। इसके प्रभाव से प्रदेश के उत्तरी एवं दक्षिणी पश्चिम भाग में मध्यम से लेकर के भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ वर्तमान स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग की तरफ से राज्य के सभी जिलों में वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बीपीएससी 66वीं मुख्य लिखित परीक्षा की तारीख हुई जारी। बीपीएससी 66वीं मुख्य लिखित परीक्षा की तारीख जारी कर दी गई है, जिसके तहत यह परीक्षा 29 जुलाई से शुरू हो जाएगी। यह परीक्षा 31 जुलाई तक 2 पालियों में आयोजित करवाई जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार छात्र परीक्षा के 1 सप्ताह पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से 691 पदों पर नियुक्ति होनी है। वहीं इस बाबत आयोग ने संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया है कि कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए इस परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। अब दुनिया भर की किताबें पढ़ सकेंगे गया विश्वविद्यालय के छात्र। गया कॉलेज ने हाल ही में ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के लिए अहम सूचना जारी की है। गया कॉलेज अब नेशनल लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरी कंटेंट से जुड़ गया है, जिसकी मदद से अब ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र दुनिया के किसी भी बेहतरीन किताब का अध्ययन कर सकेंगे। इतना ही नहीं, इसके माध्यम से विद्यार्थी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अध्ययन सामग्रियों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही किताबों के अलावा ई जर्नल और अन्य कई शिक्षण सामग्रियां उपलब्ध हैं। इसको लेकर कॉलेज के नोडल अधिकारी सह शिक्षा विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धनंजय धीरज ने बताया कि ऑनलाइन एजुकेशन में विद्यार्थियों के समक्ष स्तरीय पाठ्य सामग्री की कमी रहती है। हालांकि अब छात्रों की यह दुविधा भी दूर होने वाली है। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति की काउंसलिंग के लिए फोटो युक्त पहचान पत्र अनिवार्य। राज्य के प्रारंभिक स्कूल के 94,000 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसके तहत अब सभी अभ्यर्थी फोटो युक्त पहचान पत्र के साथ ही काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही नगर पंचायत अथवा नगर परिषद के पुनर्गठन अथवा विस्तारीकरण से प्रभावित पंचायतों के लिए आवश्यक होगा कि उन पंचायतों के पंचायत सचिव नियुक्ति से संदर्भित सभी अभिलेख संबंधित नगर पंचायत नगर परिषद को 9 जुलाई के पूर्व उपलब्ध करा दें। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने वैसी नियोजन इकाइयों में जहां दिव्यांगजनों के आवेदन नहीं आए हैं, उनमें नियोजन की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से तथा शीघ्र पूर्ण करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। 5 जुलाई से काउंसलिंग की प्रक्रिया आरंभ करने को लेकर विभाग ने 29 जून को ही संशोधित नियोजन शेड्यूल जारी किया था। गरीब रथ समेत 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन होगा शुरू। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पूर्व मध्य रेलवे ने हाल ही में 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत सहरसा, मुजफ्फरपुर, गया, बरौनी आदि स्टेशन से खुलने और पहुंचने वाली कई ट्रेनें शामिल है। गरीब रथ समेत 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों को चलाने का रेलवे ने फैसला किया है। रेलवे की तरफ से जारी किए गए आधिकारिक बयान को देखें तो अतिरिक्त रेल सेवा उपलब्ध हो जाने से आवागमन और सुलभ हो जाएगा, जिसके तहत मुजफ्फरपुर आनंद विहार टर्मिनल, मुजफ्फरपुर गरीब रथ स्पेशल, गया आनंद विहार टर्मिनल, गया गरीब रथ स्पेशल, सहरसा अमृतसर सहरसा गरीब रथ स्पेशल, बरौनी जमुतवी, बरौनी मौर्य ध्वज सुपरफास्ट स्पेशल, हल्दिया आनंद विहार टर्मिनल हल्दिया एक्सप्रेस स्पेशल और जोगबनी आनंद विहार टर्मिनल जोगबनी सुपरफास्ट स्पेशल का नाम शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने दिया आदेश। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने को लेकर पूरी तैयारी रखने की बात मुख्यमंत्री ने बीते दिन कही है। इस बाबत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति, कोरोना जांच, जिलावार वैक्सीनेशन की स्थिति समेत स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किए जा रहे सभी कामों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन को लेकर सभी जिलों में तेजी से काम किया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में कोरोना जांच और टीकाकरण को लेकर तेजी से काम किया जा रहा है। इसके बावजूद प्रतिदिन कोरोना जांच की संख्या को और बढ़ाया जाए। अधिक से अधिक जांच होने से कोरोना संक्रमितों की संख्या का पता चलेगा और उसके आधार पर उसके फैलाव को रोका जा सकेगा। मिताली राज ने रचा इतिहास। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की शानदार खिलाड़ी मिताली राज ने अपने
अपने नाम नया कीर्तिमान दर्ज किया है। उन्होंने तेज गेंदबाज नट साइबर की गेंद पर चौका जड़कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसके तहत वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी हो गई हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लेट एडवर्ड्स को पीछे छोड़ा है। मिताली के नाम अब तीनों फॉर्मेट में 10,277 रन है। 38 साल की मिताली ने इंग्लैंड के खिलाफ वेस्टइंडीज में खेले जा रहे तीसरे वनडे मैच में 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 24वें ओवर में एडवर्ड्स के 10,273 रन के रिकॉर्ड को तोड़ा है, जिसके बाद लीग चरण के दौरान एडवर्ड्स को पछाड़कर वनडे मैच में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन के खतरों को लेकर प्रशासन हुई अलर्ट। ड्रोन के मामले भारत में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत के विभिन्न इलाकों में ड्रोन देखने को मिला है, जिसके बाद बीते दिन गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी ड्रोन को लेकर सतर्क कर दिया गया है, जिसके बाद प्रशासन भी सतर्क हो गई है। वहीं संभावित खतरे और एरोप्लेन हाईजैक की स्थिति से निपटने और संभावित ड्रोन हमले की तैयारियों को लेकर गया डीएम अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में गया एयरपोर्ट पर ऑनलाइन एरोड्रम कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी, जहां पर नए उभर रहे ड्रोन के खतरे और उससे सुरक्षा के उपाय पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही विमान परिचालन को सुरक्षित रखने के लिए एयरपोर्ट के आसपास मांस मछली की दुकानों को हटाने की आवश्यकता बताई गई। गया डोभी रोड की तरफ एयरपोर्ट के फनेर एरिया के पास हो रहे निर्माण को अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की भी जरूरत के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए चर्चा की गई। बारिश के दिनों में एयरपोर्ट परिचालन क्षेत्र और आसपास जल जमाव की समस्या को दूर करने पर भी जोर दिया गया। श्रम संसाधन मंत्री मेगा स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने की कही बात। बिहार में जिन जिन छात्र छात्राओं का आईटीआई और पॉलिटेक्निक में दाखिला नहीं हो सका है, उनके लिए मुजफ्फरपुर, दरभंगा और नालंदा में पायलट प्रोजेक्ट के तहत मेगा स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने का आदेश जारी किया गया है। ऐसे छात्रों को यहां पर प्रशिक्षण देने का काम किया जाएगा। खबरों की माने तो छात्रों को यहां पर ड्रोन टेक्निक, 3D और रोबोटिक्स जैसे ट्रेड में अत्याधुनिक मशीनों से प्रशिक्षण देकर युवाओं को हुनरमंद बनाया जाएगा, जिसकी आधिकारिक घोषणा श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने की है। इस बाबत उन्होंने कहा है कि इस वर्ष के अंत तक इसे हर हाल में शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए जमीन की तलाश की जा रही है। यदि अलग जमीन नहीं उपलब्ध होती है तो आईटीआई या पॉलिटेक्निक में ही इसे स्थापित किया जाएगा। सीएस त्रिपुरारी शरण ने अनलॉक 4 को लेकर लिया फीडबैक। बिहार में अनलॉक 4 को लेकर बीते दिन मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने सभी डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की, जहां पर उन्होंने सभी जिलों के जिलाधिकारियों से फीडबैक लिया, जहां पर अधिकांश जिलाधिकारियों ने स्कूल को फिर से खोले जाने की बात को इनकार किया। साथ ही अनलॉक को पूरी तरह से खत्म करने के पक्ष में भी नहीं दिखाई दिए, जिसके बाद अब क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में अनलॉक 4 को लेकर फैसला होगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक 5 जुलाई को हो सकती है। अभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद है, ऐसे में अनलॉक 4 में विश्वविद्यालयों को खोला जा सकता है, दुकानों के खोलने का समय और बढ़ाया जा सकता है। बता दें कि बिहार में 23 जून से अनलॉक 3 चल रहा है। भाई के साथ नाम जुड़ने पर रेणु देवी ने दी सफाई। हाल ही में जमीन विवाद के मामले में बिहार की उपमुख्यमंत्री रेणु देवी का नाम सामने आया है, जिसके बाद अब उपमुख्यमंत्री रेणु देवी ने खुद सामने आकर इस पूरे मामले को लेकर सफाई दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जब उससे मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है तो बेवजह मेरा नाम क्यों घसीटा जा रहा है। मेरे भाई से 5 साल पहले ही मेरा रिश्ता खत्म हो गया, फिर मेरा नाम घसीटा क्यों जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी बातें कही जा रही हैं कि पिन्नू द्वारा लोगों को बांध कर मेरे आवास में रखा जाता है, तो मैं पूछ रही हूं कि किसी ने ऐसा देखा है क्या। मीडिया में उछल रहे मेरे नाम से मुझे पीड़ा हो रही है। 2 साल पहले भी मेरा रिश्ता उससे जोड़कर खबरें चलाई गई थी, जबकि पूरा देश जानता है कि मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। मेरे लिए पूरा बिहार मेरा भाई बाप है, पूरे देश में मेरे भाई बहन है। मंत्री मदन सहनी को मुख्यमंत्री नीतीश ने नहीं दिया समय। बिहार के अफसरशाही के मुद्दे को लेकर शुरू हुए राजनीतिक लड़ाई के बीच मंत्री मदन सहनी ने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वो अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद देंगे, लेकिन बीते दिन जब मुजफ्फरपुर से मदन सहनी पटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे तो मुख्यमंत्री आवास की तरफ से उन्हें टाइम नहीं दिया गया, जिसके बाद वो सीधा दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बीते कुछ दिनों से अफसरशाही को लेकर मदन सहनी काफी ज्यादा मुखर नजर आ रहे हैं। लगातार सरकार की आलोचना के साथ साथ हाल ही में उन्होंने मंत्री जीवेश मिश्रा पर भी तल्ख टिप्पणी की थी। इसके तहत उन्होंने जीवेश मिश्रा को सीमा में रहने की नसीहत दी थी। भाजपा ने पोस्टर में लालू प्रसाद यादव की एंट्री पर कसा तंज। विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने पोस्टर पर से अपने पिता लालू प्रसाद यादव के चेहरे को हटा दिया था, लेकिन जब से लालू प्रसाद यादव की जेल से वापसी हुई है तब से पार्टी में लालू प्रसाद यादव की अहमियत दोबारा से दिखाई देने लगी है। यही कारण है कि राजद ने हाल ही में जारी किए गए पोस्टर में लालू प्रसाद यादव को भी जगह दी है, जिसके बाद भाजपा ने इस मौके को नाक गंवाते हुए तंज कसा है, जिसके तहत पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने शनिवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू के बिना तेजस्वी का काम नहीं चल सकता, इसलिए राजद के स्थापना दिवस के पूर्व
पोस्टर बैनर में लालू की एंट्री हो गई है। बिहार सहित पूरे देश में लालू प्रसाद की पहचान घोटालेबाज और भ्रष्टाचार में डूबे नेता के रूप में है। इस बात का अंदाजा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी है। वो अपने माता पिता के जंगलराज के लिए माफी भी मांग चुके हैं। पिछले साल राजद के स्थापना दिवस के पोस्टर बैनर में कहीं भी लालू की तस्वीर नहीं थी। तब लोगों ने सोचा था कि राजद में नए युग का सूत्रपात हो गया है, लेकिन लोगों का यह सोचना भूल थी। बीएसईबी ने बिहार बोर्ड इंटर नामांकन के आवेदन की तारीख बढ़ाई आगे। बिहार बोर्ड से इंटर की पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए अहम सूचना। बीएसईबी ने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए नामांकन के आवेदन तारीख को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है, जिसके तहत बिहार बोर्ड ने आवेदन तारीख को आगे बढ़ाते हुए 18 जुलाई तक अंतिम तारीख कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप अब बिहार बोर्ड के 11वीं एडमिशन लेने के इच्छुक छात्र 18 जुलाई तक दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले बिहार बोर्ड ने सत्र 2021-23 के लिए दाखिले की अंतिम तारीख 3 जुलाई 2021 तय की थी। कोरोना महामारी और छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए बिहार बोर्ड ने यह फैसला लिया। बिहार बोर्ड इंटर प्रथम वर्ष यानी कि कक्षा 11वीं में दाखिला के लिए छात्रों को बिहार बोर्ड की वेबसाइट www.ofssbihar.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। 25 नगर निकाय और 232 पंचायतों के लिए शेड्यूल हुआ जारी। बिहार में जल्द ही छठे चरण के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। पटना में पंचायत नियोजन के लिए प्रखंडवार काउंसलिंग सेंटर बनाया गया है, जिसके तहत कुल मिलाकर 23 प्रखंड में 232 पंचायत में शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग की जाएगी। वहीं कुल मिलाकर 25 नगर निकायों के लिए 4 काउंसलिंग केंद्र बनाए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, नगर निकाय के 1 से 8वीं तक के नियोजन 5 और 6 जुलाई को होने वाले हैं। वहीं 25 प्रखंडों के शिक्षक नियोजन के लिए 5 काउंसलिंग स्थल है। प्रखंड शिक्षक नियोजन के 6 से 8वीं के लिए 2 काउंसलिंग केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 1 से 5वीं तक के लिए भी 2 काउंसलिंग केंद्र बनाए गए हैं। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार कोरोना की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए बिहार सरकार को स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला जारी करना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।